महाराष्ट्र 70 में आप सभी का स्वागत। अमरावती में कैसे साफ हुआ नवीन राणा का रास्ता, पूर्व सांसद बोले राज्यपाल का ऑफर मिला तब जाकर। अमरावती लोकसभा सीट महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहां बीते 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। भाजपा की तरफ से यहां नवनीत राणा ने चुनाव लड़ा। इस सीट पर उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट बलवंत पानखेड़े से था। अमरावती में नवनीत राणा के लिए रास्ता कैसे साफ हुआ, इससे लेकर शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अटसुल का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाया था। अमरावती सीट से दो बार सांसद रहे अटसुल का कहना है कि उन्हें राज्यपाल पद की पेशकश की गई थी। एकनाथ शिंदे गुट के नेता और अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अटसुल ने कहा कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब अमित शाह ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे अमरावती से चुनाव न लड़ने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि जिस उम्मीदवार को वे मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं वो जीत नहीं सकती और उसका कोर्ट केस चल रहा है। शाह ने मुझसे कहा कि वे इसका ध्यान रखेंगे। राज्यपाल पद का ऑफर मिला। आनंद राव ने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं और फिर मुझे राज्यपाल बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने चुनाव से हटने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें इसी तरह का आश्वासन दे रखा है। 2019 में नवनीत राणा से हारे थे चुनाव। अटसुल ने 2009 और 2014 में अमरावती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि 2019 में उन्हें एनसीपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा से हार का मुंह देखना पड़ा था। चुनाव जीतने के बाद नवनीत राणा भाजपा में शामिल हो गई थी। 5 साल में सिर्फ नाटकबाजी और सनसनी फैलाई। अटसुल ने नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सीट से उनकी जीत मुश्किल है, मौजूदा भावना नवनीत राणा के खिलाफ है, इसलिए मुझे उनके जीतने की संभावना के बारे में संदेह है। राणा पिछले 5 सालों से केवल नाटकबाजी और सनसनी फैलाने में लगी हुई है जो लोगों को पसंद नहीं आई। गौरतलब है कि आनंद राव अटसुल गजानन के टिकट के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में बोलने वाले दूसरे शिवसेना नेता हैं। केतिकर के बयान के बाद शिंदे गुट के नेता और भाजपा नेताओं में नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी थी।